भारत की जानी मानी बॉक्सर मैरी कॉम को आज भारत समेत दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन उन्हें ये पहचान रातों रात नहीं मिली, बल्कि उन्होंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया और समाज के अपमान को भी सहा, तब जाकर आज वो इस मुकाम पर पहुंच पाई है। 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के कंगाथई विलेज के एक गरीब परिवार में जन्मी मैरी कॉम बचपन से ही खेलों में इंटरेस्ट लिया करती थी। वैसे तो उनके फादर पेशे से एक किसान थे, पर एक समय वो भी रेसलर हुआ करते थे। दोस्तों, क्योंकि मैरी कॉम अपने 4 भाई बहनों में सबसे ज्यादा बड़ी थी, इस वजह से उन्हें अपने माँ बाप के काम पर जाने के बाद बहुत ही कम उम्र से अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। उनकी अर्ली एजुकेशन चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में ही पूरी हुई, जिसके बाद वो 9th और 10th की स्टडी के लिए इम्फाल के आदिम जाति हाई स्कूल में चली गई। पर क्योंकि उन्हें बचपन से स्टडी से उतना ज्यादा लगाव नहीं था, इसलिए वो 10th क्लास में पास ना हो पाई। हालांकि उन्हें इस बात से कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो दोबारा इस हाई स्कूल से एग्जाम ना देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने ओपन स्कूल से 10th क्लास का एग्जाम दिया, जिसमें वो पास हो गई। इसके बाद उन्होंने चूराचंदपुर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। भले ही मैरी कॉम की विलेज में लड़कियां खेलों में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया करती थी, पर मैरी कॉम उन चुनिंदा लड़कियों में शामिल थी जिन्हें हमेशा से खेलों से लगाव था। लेकिन खेलों से लगाव का मतलब ये नहीं कि वो बचपन से ही बॉक्सिंग के बारे में जानती थी, क्योंकि उन्हें तो बॉक्सिंग के बारे में तब पता चला जब 1998 के एशियन गेम्स में मणिपुर के बॉक्सर डिंको सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद डिंको सिंह पूरे भारत में फेमस हो गए और हर कोई उनके बारे में बात करने लगा। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त महज 16 साल की उम्र में मैरी कॉम भी डिंको सिंह से इंस्पायर्ड हो गई और उन्होंने बॉक्सिंग में जाने का डिसीजन ले लिया। उन्होंने जरा भी देरी नहीं की और अगले ही दिन वो कोच एम नरजीत सिंह के पास गई और उनसे बॉक्सिंग सिखाने की रिक्वेस्ट की। मैरी कॉम बहुत ही ज्यादा दुबली पतली थी, इसलिए कोच सिंह ने उन्हें बॉक्सिंग सिखाने से इनकार कर दिया। खैर, उस दिन तो मैरी कॉम निराश होकर घर वापस आ गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अगले दिन फिर से कोच नरजीत सिंह के पास गई और दोबारा उनसे बॉक्सिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करने लगी। एक 16 साल की वीक लड़की को इस तरह से बॉक्सिंग के लिए जिद करते देख कहीं ना कहीं कोच नरजीत सिंह को भी लगा कि मैरी कॉम के अंदर बॉक्सिंग के लिए डेडिकेशन है, इसलिए इस बार उन्होंने उन्हें ट्रेन करने के लिए हाँ कर दिया। एक दिन ट्रेनिंग के बीच मैरी कॉम के कोच ने अचानक से उन्हें ये कह दिया कि वो बहुत ही ज्यादा दुबली पत्ती है और बॉक्सिंग में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगी, जिस बात का मैरी कॉम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि अब वो खुद को एक टॉप लेवल बॉक्सर साबित करके दिखाएंगी। दोस्तों, वो अकेली इम्फाल में ही रहती थी और खुद ही अपना खाना बनाया करती थी। इतना ही नहीं, वो रोजाना स्कूल भी जाती थी और सुबह शाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। उनके इस स्ट्रगल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें उस समय घर से खर्च के लिए सिर्फ 50 रुपए ही मिलते थे, जिस वजह से उनके पास ना तो अच्छे बॉक्सिंग ग्लव्स थे और ना ही अच्छे शूज। खैर, तब बॉक्सिंग ग्लव्स सिर्फ 350 रुपए के ही आते थे, इसलिए मैरी कॉम ने जैसे तैसे पैसे बचाकर ग्लव्स तो खरीद लिए, पर उन्होंने साल 2000 में अपना पहला स्टेट लेवल बॉक्सिंग टूर्नामेंट फटे हुए शूज में ही जीता। खैर, इधर ही उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद जब उनकी फोटो न्यूज़पेपर में निकली तब उनके फादर को ये पता चल गया कि उनकी बेटी बॉक्सिंग करती है, और क्योंकि वो एक विलेज की लड़की थी इसलिए उनके फादर ने मैरी कॉम से बॉक्सिंग छोड़ने को कहा। लेकिन मैरी कॉम पहले ही बॉक्सिंग में आगे जाने का मन बना चुकी थी, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना सही समझा। कई बार तो मैरी कॉम को बहुत से लोगों के द्वारा अपमान भी सहना पड़ा, पर उनका नेचर और लड़कियों से अलग था, क्योंकि वो लोगों की बातों में नहीं आती थी, बल्कि जिस चीज को एक बार करने की ठान लेती थी उसको करके ही दम लेती थी। और शायद इसी वजह से वो आज 5 टाइम्स नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाली अकेली वुमेन रेसलर है। इसके अलावा 2001 से 2006 के बीच खेले गए तीनों AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम ही विनर रही हैं। हालांकि ये बात सच है कि इसी बीच 2005 में उन्होंने शादी भी कर ली, पर इससे उनकी बॉक्सिंग पर कोई असर नहीं आया, क्योंकि वो लगातार बॉक्सिंग में अच्छा कर रही थी। इसका प्रमाण 2008 में हुई एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, जिसमें मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता था। ये सिल्वर जीतने के बाद अब तो मानो मैरी कॉम मेडल के पीछे नहीं बल्कि मेडल उनके पीछे भाग रहे थे, क्योंकि 2008 के बाद उन्होंने 2009 में वियतनाम में हुए एशियन इंडोर गेम्स में गोल्ड जीत लिया। इसके बाद 2010 में उन्हें एशियन गेम्स में 51 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल मिला। साथ ही उन्होंने लगातार 5 बार AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीत लिया था। हालांकि इतने मेडल और चैंपियनशिप जीतने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटी और 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अपने पहले ओलंपिक में ही वो सेमीफाइनल में जा पहुंची, पर उन्हें सेमीफाइनल में हार का सामना करके ब्रोंज मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन जो भी हो, ये वुमेन बॉक्सिंग में इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल था, जिस वजह से पूरे भारत में मैरी कॉम का नाम छा गया और वो रातों रात स्टार बन गई। सबसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग बात तो ये थी कि जब मैरी कॉम ने ये ओलंपिक मेडल जीता तब वो 2 बच्चों की माँ थी, जो बॉक्सिंग के प्रति उनके डेडिकेशन को दिखाता है। जिस मैरी कॉम के पास एक समय शूज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज वो मैरी कॉम न सिर्फ इंडिया की बल्कि वर्ल्ड की एक जानी मानी बॉक्सर है। इनके जज्बे को हर कोई सैल्यूट करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।